हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टेटेक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे उसके बारे में। साथ ही हम बताएंगे आपको दोस्तों स्टेटेक जीके के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप डी का जो रेलवे का एग्जाम आने वाला है, इसके लिए तो ये वीडियो आपका रामबाण साबित होगा। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एमटीएस हो, CHSL हो, CGL हो, या ग्रुप वाले या फेज वाले एग्जाम हो, कोई भी हो, दोस्तों यहां से आपका स्टेटेक का जो पोर्शन कवर होने वाला है, मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, एक और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो को बहुत शॉर्टली बनाया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम से जाने से पहले अगर आप 2-3 घंटे का टाइम निकाल के आप ये सारे वीडियो देख लें स्टैटिक के, तो आपका ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। क्योंकि दोस्तों, आप वीडियो में देखेंगे मैंने कितने सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन लिए हैं, कितने सारी चीज़ें ली हैं, जैसे यूनेस्को साइट, किस राज्य में कितने अनुसंधान केंद्र हैं, किस राज्य का लोक नृत्य क्या है, फेमस लोक नृत्य क्या है, जनजातियाँ क्या हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्ट लिए हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में, तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश की। सबसे पहले आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के आसपास कौन कौन से राज्य हैं। तो ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया यूपी, और ये हो गया लद्दाख, और इस तरफ थोड़ा सा लग जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये सारे हमने सबसे पहले स्टेट्स के बारे में बात कर ली जिनकी सीमाएं हिमाचल प्रदेश से लगती हैं। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की फैक्ट की। तो सबसे पहले तो आपको राजधानी पता होना चाहिए, राजधानी शिमला है। स्थापना 25 जनवरी 1971 में की गई थी। मुख्य भाषा हिंदी और लाहौली है। और अगर बात करें उच्च न्यायालय की, तो शिमला उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश का, तो ये आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट बता दें तो विधानसभा की 68, राज्यसभा की 3, लोकसभा की 4 सीटें हैं। वहीं कुल 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं। तो बता दें आपको, उत्तर में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, दक्षिण पश्चिम में पंजाब से, और पूर्व में तिब्बत चीन से लगती हैं। तो ये दोस्तों सीमाओं की चर्चा कर ली हमने। बात करते हैं राजकीय पशु की, तो कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी की बात करें तो मॉडल बिजन प्रेंजेट, ये यहाँ का राजकीय पक्षी है, और 25 अप्रैल को राजकीय दिवस मनाया जाता है। बात करें प्रथम मुख्यमंत्री की, तो यशवंत सिंह परमार प्रथम मुख्यमंत्री हुए, प्रथम राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती हुए। दोस्तों, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जैसे रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं और आप जिस भी जोन से भरा होगा, तो वहां पे जैसे प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने NTPC का दिया है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं प्रमुख नदियों की, तो सतलज, ब्यास, चिनाब और रावी, ये प्रमुख नदियां हैं हिमाचल प्रदेश की। बात करें त्योहार की या पर्व की, तो गोची, रखादुगनी, मेंजार, लोसार, भुंडा और काहिका, ये प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं हिमाचल प्रदेश में। वहीं बात करें जनजाति की, तो गुर्जर, गद्दी, किन्नर और लाहौली, ये प्रमुख यहाँ की जनजातियाँ हैं। तो ये भी आपको याद रखना है SSC के एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, पक्का है एक क्वेश्चन जनजाति से, पर्व से पूछा ही जाता है, लोक नृत्य से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य और सीकरी देवी अभ्यारण्य, ये प्रमुख राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। बात करें पर्वत की, तो शिवालिक, पीर पंजाल और जास्कर प्रमुख यहाँ के पर्वत हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की दर्रों की, तो शिपकला जो हिमाचल प्रदेश से चीन के बीच में है, ये शिपकला दर्रा है। 12 लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच है, और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से पंजाब को जोड़ता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट दर्रे की हमने बात की है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये वीडियो 3 से 4 बार एक वीडियो को देख लेना है एग्जाम से जाने से पहले। आप इन सारे वीडियो को, जितने भी मैं स्टेटिक जीके की वीडियो बना रहा हूँ, उनको देख लें, आपको हर एक चीज रट जाएगी, हर एक चीज याद हो जाएगी, और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्टैटिक का। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को साइट की, तो कालका शिमला पर्वतीय रेलवे 1999 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में
ऐड किया गया था यूनेस्को साइट में। बात करते हैं बांध की, तो भाखड़ा सतलज, जो भाखड़ा बांध है वह सतलज नदी पर है और बिलासपुर जिले में है। तो ये तो हमने बांध की बात कर ली। बात करते हैं शोध और अनुसंधान केंद्र की, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पालमपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। तो ये भी आपको फैक्ट है, याद रखने हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो नई शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र ताशीगंग है, जो हिमाचल प्रदेश में है। देश का पहला डिजिटल विधान मंडल वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर पूरी विधानसभा को डिजिटलाइज किया गया है। अटल जी की 95वीं जयंती पर रोहतांग दर्रे का नाम अटल सुरंग किया गया। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जयंती थी जब रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग किया गया। तो इनकी है 95th यानी 95वीं जयंती थी। प्रथम राज्य जहां हर घर में एलपीजी कनेक्शन आपको देखने मिलेगा वो है हिमाचल प्रदेश। 2022 में प्राकृतिक खेती करने वाला प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ी के बीच स्थित है, बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। दोस्तों यहां से एग्जाम क्वेश्चन बनता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा राज्य पीर पंजाल और धौलाधर पहाड़ियों के बीच है, या कुल्लू घाटी किस राज्य का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। रिकांगपियो जिला, जिसकी सीमा चीन से लगती है, ये हिमाचल प्रदेश में है। कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को में शामिल किया गया, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया। कुल्लू घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर है। करदांग मठ स्थित है, वहीं टैंगोर संस्कृति और सभ्यता अध्ययन केंद्र भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैकलोडगंज पर्वतीय स्थल है, केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र कुल्लू में स्थित है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में हमने चर्चा की हिमाचल प्रदेश की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले आपको लोकेशन बता दें, ये आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड की एक सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से, इस तरफ नेपाल से और यहाँ चीन से यानी तिब्बत से। तो उत्तराखंड को आपने मैप में देख लिया, एक बार रफ में कर दूं एक बार आपको, ताकि क्लियर दिखने लगे फिर से मैप। तो ये जो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कलर में, तो ये हो गया उत्तराखंड। अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। सबसे पहले आपको बता दें यहाँ की शीतकालीन राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गरसैंण बनी है। 27वां राज्य बना है जो 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। यहाँ का लिंग अनुपात 963 महिलाएं प्रति हजार पुरुष हैं। उच्च न्यायालय नैनीताल में है। अब ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता होगा, हो सकता है आप लगा रहे होंगे देहरादून या गरसैंण क्योंकि राजधानी है तो उच्च न्यायालय भी यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है वह नैनीताल में है, तो ये भी आपको याद रखना है। मुख्य फसलें चावल बाजरा जौ चना है। राजकीय पशु नीलगाय, राजकीय फूल कमल है, राजकीय पक्षी तीतर है और राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में तिब्बत और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, पश्चिम में हरियाणा से, दक्षिण में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में नेपाल से उत्तराखंड की सीमा लगती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 71 है यानी 71, लोकसभा सदस्य 5 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। राजकीय पशु कस्तूरी मृग है, राजकीय पक्षी मुनाल है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है और राजकीय वृक्ष बुरांस है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते प्रथम मुख्यमंत्री की, तो श्री नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के। प्रथम राज्यपाल श्री सुरजीत सिंह बरनाला प्रथम राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। स्थापना 1 नवंबर, जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर को मनाता है, मैंने आपको बता ही दिया। धार्मिक और पर्यटन स्थल की बात करें तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश, ये प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड में। और ऐसा कोई भी स्थल नहीं है दोस्तों जिसको आप लोग जानते ना हो, तो ये तो वैसे ही क्वेश्चन है कि आप जान कहीं भी आज आप लगा ही देंगे सही। बात करते हैं राष्ट्रीय शोध संस्थान की, तो दोस्तों बहुत सारे शोध संस्थान उत्तराखंड में स्थित हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, ये देहरादून में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है।
दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं रुड़की में आईआईटी है, तो यहीं पर जो भी सेंटर बिल्डिंग के बारे में जो भी रिसर्च की जाती है वह रुड़की में की जाती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स रानीपुर हरिद्वार में है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इतने राष्ट्रीय शोध संस्थान केंद्र उत्तराखंड में है। बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की, तो कार्बेट नेशनल पार्क जो रामनगर नैनीताल में है उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो चामोली उत्तराखंड में है, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हुए उत्तराखंड के। यहाँ से दोस्तों जैसे कार्बेट हो गया, जैसे राजा जी हो गया या फूलों की घाटी हो गया, ये दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन है पांचों इंपोर्टेंट। आपको ऐसा नहीं कि भूल जाना है, पांचों याद करना है, लेकिन ये कुछ ऐसे इंपोर्टेंट है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। अगर वन विहार की बात करें तो गोविंद वन जीव विहार उत्तरकाशी में और केदारनाथ वन जीव विहार चमोली, यहाँ पर ये वन विहार है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं बांध की, तो टिहरी बांध भागीरथी और विलंगना नदी पर है जो उत्तराखंड में है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है। त्योहार की बात करें तो अन्नकूट हरेला गंगा दशहरा और कुंभ प्रमुख त्योहार है। जैसा कि आप जानते हैं कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है उत्तराखंड के हरिद्वार में। लोक नृत्य की बात करें तो गुड़वाली कुमायुनी कजरी और छप्पेली, ये प्रमुख लोक नृत्य है उत्तराखंड के, ये भी फैक्ट है आप याद रखना है। बात करते हैं दोस्तों दर्रों की, तो उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नीति दर्रा कहाँ पर है, तो भारत के और चीन के बीच उत्तराखंड में है। माना दर्रा जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ उत्तराखंड के बीच है। लिपु लेक नेपाल चीन भारत पिथौरागढ़ तिब्बत में स्थित है। धर्मा दर्रा जो है वह भारत और चीन को जोड़ता है, और थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। तो ये दर्रे प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से तो आपके एग्जाम में मतलब मैं गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ की कि यहाँ मैं जितने भी आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जिस भी राज्य के बारे में जो जो भी बता रहा हूँ, इससे आगे आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन एसटेट का तो नहीं बनेगा। बात करते हैं दर्शनीय स्थल की, तो जिम कार्बेट वेलकम वैली और लक्ष्मण झूला दर्शनीय स्थल हैं। बात करें यूनेस्को साइट की, तो नंदा देवी और फूलों की घाटी को 1988 में यूनेस्को साइट में ऐड किया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है यूनेस्को के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बात करें जनजातियों की, तो जौनसारी बोक्सा भोटिया राजी और थारू प्रमुख जनजातियां हैं उत्तराखंड में। अब दोस्तों ये कौन बताएगा आपको, बताइए। पंचप्रयाग के बारे में आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन स्टेटिक के पोर्शन में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। धौलीगंगा और विष्णु गंगा का मिलन स्थल विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो नदी बनती है उसे अलकनंदा कहा जाता है। पिंडार और अलकनंदा नदी का मिलन स्थल कर्णप्रयाग बनता है, और इसे अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ के वह मंदाकिनी से मिलती है, और मंदाकिनी से यह रुद्रप्रयाग में मिलती है, लेकिन अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही रहता है। अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है और भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, जहां पर इसका नाम भागीरथी या गंगा किया जाता है। तो ये आपको याद हो गया। अब दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी का जो मिलन स्थल है वह नंद प्रयाग भी है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें मंडल की, तो दोस्तों यहाँ पर तीन मंडल हैं, पहला कुमायूं, दूसरा गढ़वाल और तीसरा गढ़सैंण, ये तीन मंडल हैं उत्तराखंड में। नंदा देवी दूसरा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खोला गया था। भारत का पहला परागण पार्क उत्तराखंड के हरिद्वार में खोला जा रहा है। भारत का पहला मोस्ट गार्डन नैनीताल में है, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में बनेगा, लेकिन वर्तमान में जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वह श्रीनगर में है। 100% यानी 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला देहरादून बना था। फसल कटाई हरेला पर्व जो है वह मनाया जाता है। चोराबारी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों चोराबारी, ये आपको याद रखना है। पहला बिलासपुर ब्रिज गंगा पर, दोस्तों यहाँ पर बिलासपुर नहीं ग्लास ब्रिज है, पहला जो ग्लास ब्रिज है वह गंगा पर ऋषिकेश में बनाया गया है। पहला कबक पार्क पिथौरागढ़ में खोला गया भारत में। शिवालिक हिमालय का भाग है और ये
शिवालिक जो है उसकी एक लेयर यहाँ उत्तराखंड से भी निकलती है। चिपको आंदोलन की प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे और चिपको आंदोलन चामौली गोपेश्वर में हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु 2021 में हो गई है और ये इन्होंने एक महान आंदोलन चलाया था, चिपको आंदोलन, जो दोस्तों पेड़ों से चिपक जाते थे लोग और उसे चिपको आंदोलन दिया ताकि पेड़ ना काटे जाएं। भवन अनुसंधान केंद्र, जैसा मैंने आपको बताया, रुड़की में है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व वहां खड़ा नांगल बांध है जो 225 मीटर ऊंचा है। यानी भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है जिसका नाम भाखड़ा नांगल है, यह 225 मीटर ऊंचा है। यह भी आपको याद रखना है, यह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टैटिक जीके के जितने भी इंपोर्टेंट जितने भी टाइप हो सकेंगे उसके बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। एक दोस्तों एक वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितना सारा मैंने डाटा सर्च किया है, तब जाके एक वीडियो बना पाया हूँ। और आपके जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है इसके लिए तो रामबाण साबित हो गई ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।